किन्नर कैलाश की ऊंची चोटियों पर कल रात हुई ताजा हिमपात से जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ा। दयानंद पब्लिक स्कूल के 8वीं कक्षा का छात्र स्तव्यसूद शिमला लोअर बाजार से लापता है। परिजनों ने लोगों से बच्चे की तलाश करने में मदद की गुहार लगाई। नवरात्र में श्री नैना देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अष्टमी पूजन के लिए पहुंचे। नहीं रहे रतन टाटा, 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। देश में शोक की लहर। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की थी। पुलिस थाना जवाली के अधीन पनालत में दर्दनाक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर तले आने से 3 लोगों की मौत हुई। शिमला में भाजपा ने जलेबी और लड्डू बांटकर मनाया हरियाणा की जीत का जश्न। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे भी चलाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन आदेशों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में दलबदल के तहत अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राजभवन पहुंच गया है। फरवरी में बजट सत्र में छाए सियासी संकट के बाद मानसून सत्र में सरकार ने विधेयक पास किया है। उत्तर भारत में कांग्रेस के एकमात्र मुख्यमंत्री होने के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन पर न केवल कांग्रेस सरकार को ठीक से चलाने की जिम्मेदारी रहेगी बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने का भी जिम्मा रहेगा। 2 बार राज्य और 8 बार राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी खिलाड़ी भावना 17 से 28 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाली एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप में स्कोरर की भूमिका में होंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार मुगलकाल के राजस्व रिकॉर्ड की शब्दावली में बदलाव करने जा रही है। ततीमा, जमाबंदी, मोमी को साधारण शब्दों में दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, इनमें हिंदी के कठिन शब्दों को भी हटाया जाना है। इसके स्थान पर सरल भाषा को इस्तेमाल किया जाना है। हिमाचल प्रदेश की 11 धान मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फसल बिक्री के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण भी चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसानों से 2,700 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को 3-3 विषयों में फेल होने पर भी अगली कक्षाओं में दाखिला देगा। भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 5 पर सीमा सड़क संगठन ने करोड़ों की लागत से 3 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया है। पुलों के बनने से सीमावर्ती इलाकों के लोगों, भारतीय सेना और ITBP के जवानों को काफी राहत मिलेगी। हिमाचल में पहली बार उद्योग PNG से चलेंगे। पाइप्ड नेचुरल गैस ने ऊना जिले में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बाद एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसमें जिले के उद्योगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमाचल सरकार प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा बेचेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3,218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। प्रदेश भर में स्वास्थ्य महकमा नशा मुक्त हिमाचल बनाने में जुटा हुआ है। पिछले एक साल में सरकारी स्तर पर खोले गए नशा मुक्ति केंद्रों में करीब 3,500 नशा करने वाले युवाओं से यह लत छुड़वाई गई। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों और उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद JBT, TGT और CNV के 2,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए बाह्य सराज के देवी देवता 10 अक्टूबर को रवाना होंगे। 150 से 200 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद देवता कुल्लू दशहरा में भाग लेंगे। दुर्गा अष्टमी के मौके प्रदेश के शक्ति पीठों में भक्तों का तांता लगा। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी परिवार सहित अष्टमी के मौके पर राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मां का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। IGMC अस्पताल में अब इमरजेंसी विभाग को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। ट्रॉमा सेंटर के साथ इमरजेंसी विभाग आज से सेवाएं शुरू कर दी गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इमरजेंसी विभाग और ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया था। सिरमौर के नाम स्टेट हॉकी चैंपियन का खिताब। नागेता स्कूल में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। धर्मशाला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर झलेड़ा में ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटी चालक बुरी तरह से घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा। अगले वर्ष मार्च माह तक इसको लेकर निर्णय ले लिया जाएगा। छुट्टियों के शेड्यूल को लेकर आए सुझावों का अध्ययन करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इसका फाइनल प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। सोलन में एक दिवसीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें जिला के सैकड़ों छात्रों ने युवा संसद में भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस सदस्यता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के अनुसार यह पाया गया है कि जो कर्मचारी अभी भी एनपीएस व्यवस्था में शामिल हैं, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की दरों में अंतर के कारण अपने भविष्य के पेंशन लाभों के संबंध में नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एमएलए पत्नी कमलेश ठाकुर संग शिमला के प्रसिद्ध माँ तारा के दरबार पहुंचकर शीश नवाया। बीड़ बिलिंग घाटी में 2 से 9 नवंबर तक होने वाले पैराग्लाइडिंग के दूसरे वर्ल्ड कप में भाग्य आजमाने के लिए अब तक 28 देशों के 138 विदेशी पायलटों ने आवेदन किया है।